Hey guys, welcome back to another video lecture of chapter 1. लेकिन इस video lecture में हम लोग कोई theory cover नहीं करने वाले, ना ही कोई derivations cover करने वाले. इस video lecture में हम लोग cover up करेंगे Coulomb's law के numericals और एक दो questions हैं यहाँ पे जो हम quantization of charge के ऊपर देखेंगे. Okay, so before starting, जो आपकी numerical sheet है इस chapter की, वो आप description box देखिएगा please. मैंने उसमें गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, सो आप उस न्यूमेरिकल शीट को डायरेक्टली गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पढ़ के उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा यहाँ पे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये कहता है कि यार व्हिच इज बिगर, one coulomb of charge or charge on electron. कि भाई कौन बड़ा है, one coulomb of charge या फिर electron में जो charge बड़ा है, and how many electrons form one coulomb of charge, और कितने electrons मिला के one coulomb of charge बनाते हैं. तो आइए देखते हैं इसको. Now हमें पता है charge on electron, किसी electron के ऊपर charge कितना होता है. Answer is भाई 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 1 कूलम बड़ा है कि 1.6 या फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बड़ा है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा. ओके, नाउ मैं देखिए यहां पे सिर्फ एक चीज समझा दूं आपको. काफी लोग आप में से सोचेंगे कि यार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहां पे 1.6 आ रहा है, बट आप उसके आगे तो बढ़ के जा रहा, वहां पे 1.6 के साथ साथ क्या आ रहा है, 10 की पावर कितनी आ रही है, -19. भाई ये तो बहुत छोटी वैल्यू है चार्ज की, आया ना बात समझ रही. सो कौन बड़ा हो गया, तो हेंस 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. नाउ उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिला के 1 कूलम बनाते हैं चार्ज का, that is how many electrons form one coulomb of charge. तो एक formula आपने पढ़ा हुआ है, Q is equals to ne correlation of charge. तो Q दिया हुआ है आपको 1 coulomb, n पूछा है, n मतलब number, that is जो correlation of charge है हमारा क्या, integer. And what is e, पता ही आपको electron के charge की, तो मतलब 1.6 into 10 to the minus 19. तो n आ जाएगा 1 divided by 1.6 into 10 to the minus. तो इसको solve करके आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपसे. ओके, बहुत इजी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इनटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये डेली 92 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. तो यहां पे बोला है कि भाई चार्ज निकालो जो कौन कैरी कर रहा है, 12.5 इनटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको क्या अप्लाई करना है, q इक्वल्स तो क्यों निकालना है जो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये हमें बताइए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितना दिया हुआ है, 12.5 इनटू 10 टू द पावर 8 और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इनटू 10 टू द माइनस 19. तो इसका जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी आपकी जो न्यूमेरिकल शीट है उसमें ऑलरेडी गिवन है, व्हिच इज 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम. देखिए तो बहुत इजी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ देखिए गाइस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे. नाउ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे के न्यूमेरिकल से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, ये 1 टू 7 हम लोग इस, सॉरी 1 टू 8 हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले. नाउ क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, तो इससे पहले ध्यान रखिए हमारी एक वीडियो लेक्चर है जो जिसमें मैंने कूलम्स का इंडक्टिव फॉर्म कवर अप किया हुआ है, उसी वीडियो लेक्चर में एंड में बिल्कुल एक मैंने ट्रिक बताई हुई है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की. उस ट्रिक में आपको क्या बताया हुआ है, मैंने एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको सिस्टम के लिए मेजर करना है तो आपको सिस्टम के चार्जेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइन रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज. अगर आपको केवल और केवल मिडिल चार्ज को अपने मेजर में करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप पॉजिटिव हो चाहे आप नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी तीसरी ट्रिक थी वहां पे रूल ऑफ शेयरिंग. तो प्लीज आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले प्लीज आप उस वीडियो को, उस ट्रिक को जरूर देखिए, तभी जाके आपको ये न्यूमेरिकल्स
बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली इस थर्ड क्वेश्चन में भी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, या अगर आपको कुछ निकालना है क्वेश्चन तो कैसे निकालोगे, उसके लिए ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ट्रिक अगर आप याद रखेंगे इन आगे वाले क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अचार्ज माइनस क्यू is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. कि एक charge है minus Q जिसको आपने place किया दो equal charges के कहाँ पे center पे, तो आपको Q की value निकालनी है। अब जरा end वाला part पढ़िए जरा, जो trick आपको refer हो गया है, ठीक है। So that entire system is in equilibrium. आपको Q की value निकालनी है, small Q की, जिससे पूरा का पूरा जो system है, ठीक है, पूरा जो system वो किस पे पहुंच जाए equilibrium में। कौन सी ट्रिक लगी है यहाँ पे, थोड़ा सोचिए। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली या थर्ड वाली? फर्स्ट वाली कौन सी थी हमारी, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो वर्ड मिल रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि कौन सी ट्रिक लगानी है हमें यहाँ पे, ट्रिक लगानी है फर्स्ट वाली। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से कराने वाला हूँ आप लोगों को कि जिससे आपको ये बिल्कुल भरोसा हो जाए कि भाई जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल काम करेंगी। और हाँ एक चीज बता दूं, ये जो ट्रिक्स आपको मैंने बताई है ये 95% क्वेश्चंस में काम करेगी, 5% क्वेश्चंस एक्सेप्शंस हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। एनीवेज तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कराने वाला हूँ कि जिससे आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई हुई है उन ट्रिक्स पे आपको भरोसा हो जाए, ओके। सो नाउ अब हम ये मान के चल लेते हैं इस क्वेश्चन में ये हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ना हमें चार्ज का साइन गिवन, ना हमें ये पता कि चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। लेट सपोज हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन गिवन है कि एक दो चार्जेस है कैपिटल क्यू, और हम आप हमें ये बताओ कि हम तीसरा चार्ज कहाँ रखेंगे जिससे पूरा सिस्टम किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, और उसके बाद आप उस चार्ज का साइन बताओ और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। आई होप सो आपको समझ आया जो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, बस इसीलिए चेंज किया ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है और जो दो ट्रिक्स अभी और बताने वाला हूं मैं आपको बिल्कुल सही ट्रिक्स, ओके। सो नाउ लेट्स डू इट। अब देखिए सबसे पहले ना फिजिक्स में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका क्वेश्चन का डायग्राम। अगर आपने किसी न्यूमेरिकल का डायग्राम बना लिया विच मीन्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, 12th या यार 11th में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भी दो चार्जेस हैं कैपिटल क्यू, तो लेट्स सपोज हमने दो चार्जेस दे दिए कैपिटल क्यू, अच्छा सेपरेशन दिए इनके बीच नहीं दी, तो लेट्स सपोज हम सेपरेशन मान लेते हैं, सेपरेशन में मान ली। अब वो बोल रहे हैं कि भाई तीसरा चार्ज हमने रखा, जो मैंने क्वेश्चन चेंज किया है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, ठीक है, या हो भी गया होगा तक। तो देयर इज दिस थिंग, अब आपको ये बताना है कि भाई तीसरा चार्ज कहाँ रखोगे और उसका साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिससे भाई पूरा का पूरा सिस्टम किसमें हो जाए, किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। बात समझ आई आपको? नाउ देयर इज दिस थिंग, देखिए हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो ट्रिक क्या है, आप ट्रिक पे थोड़ा फोकस कीजिए। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो तीसरा चार्ज आप लेते हो, जो कौन सा चार्ज आप लेते हो, थर्ड चार्ज। ध्यान रखना थर्ड चार्ज का साइन सिस्टम के जो ये चार्जेस है मेन चार्जेस इनके बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट। तो सिस्टम के चार्जेस का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो जो तीसरा चार्ज आप यहां रखने वाले हो उसका साइन क्या होगा यार, आंसर इज नेगेटिव, ओके। लेट्स सपोज हमने एक तीसरा चार्ज रखा माइनस क्यू, और मान लेते हैं ये हमने कितने डिस्टेंस पर रखा, एक्स डिस्टेंस पर। तो लेट थर्ड चार्ज, ये आपको समझ आ ही गए कि हमने माइनस क्यू क्यों रखा, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो इनका बिल्कुल ऑपोजिट है। थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो लेट्स सपोज हमने कितनी डिस्टेंस पर रखा है यहां पे, एक्स डिस्टेंस। आपको दो चीजें निकालने हो मोस्टली एंडिंग क्वेश्चन पे, फर्स्ट आपको बोल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू निकालो, दूसरा आपको बोलेगा भाई किसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि तो मैं आपको दोनों चीजें करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि कैसे आपको दोनों चीजें करनी है, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन है इसमें जो आपको खुद ट्राई करने पड़ सकते हैं। हाँ उनका आंसर मैं गूगल ड्राइव के ही आई से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गूगल ड्राइव का लिंक होगा या वन ड्राइव का लिंक होगा, उसमें से आपको
मिल जाएगा आराम से। सुना देखिए, मैं यहाँ पे ट्रिक्स देता हूँ, प्लीज इन ट्रिक्स को एफर लीजिएगा, ट्रिक्स को लिख लीजिएगा। सपोज आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। मैं फिलहाल इन चार्जेस को भी एक नंबर दे रहा हूँ। सपोज ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, जो सिस्टम के मेन चार्जेस है, और ये है आपका थर्ड चार्ज। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको फोर्स लगाना पड़ेगा किस किस के बीच, फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज। आपको फोर्स निकालना पड़ेगा किस किस के बीच है, फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच। देन सेकंड केस में आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड चार्ज। तो ये है किसके लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। अब लेट्स सपोज आपको एक मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकालना है अगर आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्स निकालना है किस किस के बीच, बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज। सेकेंड ध्यान रखिए इसको, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज। आई होप आप प्लीज जल्दी से इन ट्रिक्स को नोट डाउन कीजिए। एंड देन देयर इज दिस थिंग, आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है इन चार्जेस के बीच में। सो देयर इज दिस थिंग, नाउ अभी हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं कि भाई ये चार्ज हमने कहाँ पे रखा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है, बट मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से करा दूं कि भाई आपको जो मैंने ट्रिक्स ऑलरेडी इससे पीछे वाली वीडियो में कवर अप की हुई है उन पे आपको भरोसा हो जाए, और जो ट्रिक्स मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताई है बिल्कुल अभी अभी आपको बताई इन पे आपको भरोसा है। सो नाउ लेट्स डू इट। ये नंबरिंग आपको नहीं करनी है, आपको बस पता होना चाहिए भाई ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है। ये नंबरिंग आपको क्वेश्चन में नहीं करनी है, बट ट्रिक दिखाने के लिए बताया है। तो लेट्स सपोज आप सबसे पहले ये निकाल रहे हो यहां पे वैल्यू ऑफ x। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, सिर्फ सबसे पहले एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं यहां पे फोर्स का, जो जनरल फार्मूला होता है हमारा। एंड दैट जनरल फार्मूला इज F is equals to K mod of Q1 dot Q2 divided by R square। ये पता है ना, force between two charges का एक general formula है Coulomb's law के according, ठीक है, और magnitude आएगा यहाँ से। Now anyways, अब हम सबसे पहले निकालते हैं इसकी value, इसकी value निकालने वाले हैं यहाँ पे value of x, ठीक है। I hope so कि आपने tricks note down कर ली होंगी अब तक। So now मैं इनको rough करने वाला हूँ फिलहाल। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये बताया था कि आपको फोर्स निकालना है बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज, फर्स्ट चार्ज या थर्ड चार्ज। अब जरा देखिए ये है मेन चार्ज, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे अगर आप मेन चार्ज का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन चार्ज, तो मेन चार्ज ये है, तो इसका फोर्स इस पे लगाओ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मार रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, व्हिच मींस ये वाला q इस माइनस q पे q के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स मारेगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, वो होगी लेफ्ट की तरफ, एंड दिस इज f। आई होप सो आपको क्लियरली विजिबल है। नाउ उसके बाद सेकंड फोर्स को हमें लगाना है, जो ट्रिक मैंने लिखी हुई थी, इट इज द फोर्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड चार्ज। भाई सेकंड चार्ज भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, ये सेकंड पॉजिटिव भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये F1 हो गया, ये F2। अब इनकी जरा हम वैल्यूज लिख लेते हैं, बाय द वे यहां पे नाउ F1 इज k q q डिवाइडेड बाय, देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, x को x का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं f2 की, कि भाई f2 क्या होगा, देखिए f2 क्या होगा, f2 का फोर्स बिटवीन माइनस q एंड q, तो f2 इज इक्वल टू k q q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है यहां पे r माइनस x, क्योंकि इतनी x थी इतनी r थी, तो इतनी कितनी बची r माइनस x, तो मतलब r माइनस x का क्या होल स्क्वायर। नाउ एक क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एंड क्वेश्चन इज दिस कि भाई हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं दिया, आंसर इज ये। आप देखिए इन चार्जेस में हमें क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, तो मतलब आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव साइन होंगे,
ना देयर इज दिस थिंग कूलम्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई कूलम्स का सिर्फ क्या देती है आपको मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन तो आप ऐसे देखते हैं। ना इतना क्लियर हुआ, अब ध्यान रखिएगा। अच्छा इससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ऐड होगा कब, जब वो होंगे सेम डायरेक्शन में। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट माइनस होगा कब, जब वो होंगे यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंगल पे होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो ए बी कॉस थीटा कब, जब ये किसी एंगल पर होते हैं। और कॉम्पोनेंट्स आप करते हो आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कब, आगे से ये क्या करते हो आप कॉम्पोनेंट्स, और ये तब आप करते हो जब ऊपर के सारे तरीके हथियार आपके फेवर आते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा, यहाँ पर फिलहाल ये दोनों ही यूज होंगे मोस्टली, ये भी यूज हो सकते हैं, मतलब ये भी यूज होगा, वैसे हो सकता है या होगा कूलम्स का। मैं तो ये मैंने बेसिक्स लिखे और ये बेसिक सारे 11th क्लास में आपने पढ़े हुए ऑलरेडी। नाउ अब एक चीज की बात करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस सिस्टम इज इन, कि भाई सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता ही होगा कि भाई नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कैसे आ गया यहाँ पे, देखिए दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए, मतलब जब भी ऑपोजिट होता है तो रिजल्टिंग कैसे आता है, माइनस करके। तो एफ एन माइनस एफ टू इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एफ एन इज इक्वल टू एफ टू। बस वैल्यूज पुट कीजिए, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चला देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए तो यहाँ क्या बचा, वन। तो वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस, अब तो बेसिक मैथ्स लगानी है आपको यहाँ पे, का होल स्क्वायर। तो वन इज इक्वल्स टू अब स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो वन ही बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्स की वैल्यू निकल के आएगी विच इज आर बाई टू। और यार ये मैंने कोई तीन नहीं मारा, एक्चुअली यही तो वैल्यू आपको गिवन थी, यही तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मजा आ रही ना। तो यही चीज है, अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि ये मैंने आपको ट्रिक जो मैंने आपको बताई है मैंने उस पे भरोसा आपको दिलाया है। तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू। ओके तो अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के बारे में। सो हमें अब यहाँ पर निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, विच मीन्स कि यार जो चार्ज आपने यहाँ पे रखा है, ये थर्ड चार्ज जो आपने प्लेस किया है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए इसका साइन तो हमने निकाल लिया, साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे रखा ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट मैंने जस्ट आपको ये बता दिया था कि आपको जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक पे आपको पूरा बिलीव हो जाए। ना बात करते हैं आगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के बारे में, तो फिर से मैं ट्रिक ही फॉलो कराऊंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के लिए ट्रिक क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के लिए आपने फोर्स निकालना था बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज। अब सेकंड फोर्स जो आपको निकालना था उसमें वो निकालना था आपको बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, मतलब पहले आपको फर्स्ट और थर्ड, देन सेकंड वाले में फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो नाउ लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के लिए फर्स्ट और ये देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अभी भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लिया ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये किसी फोर्स F3 से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो F3 की वैल्यू आप Fn यूज मत करिए यहाँ पे, आई विल सजेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि Fn ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो x की वैल्यू के लिए, ठीक है। आई नो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा उसका, तो जस्ट थोड़ा सही लगे इस क्वेश्चन करने में, इसीलिए हम यहाँ पे अदर फोर्स यूज कर रहे हैं। तो F3 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है इनके बीच एक्स का स्क्वायर, एंड व्हाट इज F4। नाउ F4 में देखिए F4 क्या मतलब, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालने के लिए दो फोर्सेस थे, तो पहला तो ये था बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा फोर्स कौन सा था, दूसरा था बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा रिपेल, ध्यान से देखिएगा मैंने इसका फोर्स इस पे नहीं लगाया, मैंने क्या किया है इसका फोर्स इस पे लगाया था, इसका फोर्स इस पे, तो मतलब इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसका ही फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया। क्लियर आउट हो गई बात,
इसका फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया, मैंने इसका फोर्स इस पे लगाया है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या देखा, इसका फोर्स इस पे, तो इसी का फोर्स इस पे देखेंगे, अगर आप इसका फोर्स इस पे देख रहे हो तो इसका फोर्स इस पे देखते हैं, ताकि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो कंडीशन वायलेट ना हो, ठीक है। नाउ देयर इज दिस थिंग, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट का आपकी तरफ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल का मतलब अपने से दूर भेजेगा, तो ये क्यू इस क्यू को इस तरफ दूर भेजेगा, मतलब इस तरफ रिपेल करेगा, दैट इज k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये आपको बताइए कि भाई सिस्टम किसमें पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में, तो सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कि भाई जो आपका सिस्टम है वो किसमें पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में, और ये चीज आपको पता ही कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो, which means या that is, अच्छा net force zero आएगा, इसका मतलब आपने बताया इस step से आप इस step पे पहुंचे थे direct, तो मैं हमें अब ये भी steps नहीं लिखूंगा, जब भी equilibrium की बात आएगी तो मैं कभी भी ये steps नहीं लिखूंगा, मैं direct ये लिखूंगा, ध्यान रखना ये तभी आएगा जब system किसमें होगा, equilibrium में, तो यहाँ इसका मतलब F3 किसके equal हो गया भाई, F4 के, तो F3 की value क्या होगी, KQQ divided by x square is equals to k q square divided by r square, तो k q से ये cancel out हो गया, तो small q की value यहाँ से क्या आ गई, x by r का whole square multiplied by q, देखिए आप x को इधर ले गए तो x by r का क्या बनेगा, whole square, कैसे भाई, x square divided by r square मतलब x by r का whole square into q, now q is equals to आप ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हो और x की वैल्यू कितनी आएगी, r by 2, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे, r by 2, तो r से r कैंसिल हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है q का, q by 4, so this is the required answer here, okay, I hope so आपको चीज क्लियर आउट हुई होगी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ q निकालते वक्त हमने क्या ट्रिक यूज की, and then value of x निकालते हैं हमने क्या वीडियोस की, ये बहुत आपके काम में आ गई, so now let's move to our next question, okay, first of all we are doing question number 5 actually, because ये कुछ same ही question है, इससे मिलता जुलता ये आप आराम से कर सकते हैं, उसके बाद कह रहे हैं question number 5 बोल रहे हैं two free point charges plus 4 plus here placed at distance a apart, तो सबसे पहली चीज डायग्राम, तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि दो पॉइंट चार्जेस है प्लस 4e और प्लस e, ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, यार a डिस्टेंस पे रखे हैं, तो कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट एंटायर सिस्टम मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो भाई एक तीसरा चार्ज q कहां प्लेस करोगे जिससे पूरा सिस्टम किस में पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, तो बात किसकी हो रही है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, कौन सा चार्ज लगोगे, आपको पता आ जाना चाहिए माइंड में, लिए ये दोनों चार्जेस कैसे पॉजिटिव है, तो लेट्स सपोज आप एक तीसरा चार्ज रखोगे q जो हमें ऑलरेडी गिवन है, बट उस q का साइन क्या होगा, नेगेटिव, लेट्स सपोज कितनी डिस्टेंस पे रख रहे हो आप, x डिस्टेंस पे आप इसको रख रहे हो, सो दैट एंटायर सिस्टम मे बी इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो आ गया, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ q, तो साइन ऑफ q क्या हो गया, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, मैग्नीट्यूड पूछा आपसे q का, तो q का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालोगे बिल्कुल x की वैल्यू बिल्कुल आप ऐसे निकालोगे, ओके, उसके बाद कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है माइनस q होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, प्लस q होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, प्लीज एक बार ये ट्रिक्स वाली वीडियो में आप जाके चेक कीजिए कि मैंने आपको वहां पे ये बताया हुआ है कि जब आप माइनस q साइन प्लेस करते हो, आई मीन उसे जब चार्ज का साइन, यहां पे थर्ड चार्ज का साइन माइनस होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, पॉजिटिव होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन लोग कर पाओगे आराम से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, ओके, आंसर में इसका गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार आंसर चेक कर सकते हो, ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू पॉइंट चार्जेस प्लस 4e प्लस e आर एट डिस्टेंस a अपार्ट, फिर से सेम चीज, तो
दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस फोर ई और प्लस ई, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, ए। कह रहा है कि वेयर अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, कि भाई तीसरा चार्ज क्यू कहां प्लेस करोगे आप ताकि वो चार्ज, अब ये यहां पे बोला हुआ है इट, तो यार ये इट रेफर किसको कर रहा है, ध्यान रखना इट इट रेफर कर रहा है उस चार्ज को जो आप रख रहे हो, क्या कहीं सिस्टम की बात आई है, कहीं सिस्टम वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में, कहीं सिस्टम वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में, आंसर इज नो, सिस्टम तो यूज ही नहीं हुआ यार कहीं पे, व्हिच मींस आपसे सिर्फ किसके इक्विलिब्रियम में पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ किसके इक्विलिब्रियम में पूछा गया, आपसे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में पूछा गया किसका, आंसर इज मिडल चार्ज का, सिस्टम की बात तो ये नहीं, क्योंकि सिस्टम की बात करता तो सिस्टम वर्ड लगा आता, कहीं ना कहीं वर्ड होता क्वेश्चन में तो कहीं सिस्टम वर्ड है नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना फिर से वही ट्रिक पे बात आती है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ कि अगर आपको मिडल चार्ज के इक्विलिब्रियम करना है तो आपने क्या करना है, आपने या तो नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव, मर्जी आपकी है, तो लेट्स सपोज हम चलिए नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो लेट्स सपोज हम माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं वही डिस्टेंस x, ठीक है, तो सबसे पहले लाइन सेम ही आएगी जो हमने यहां पे लिखी थी कि लेट अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x, तो लेट अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो हमने मान लिया कि एक चार्ज है माइनस क्यू जो हमने डिस्टेंस x पे प्लेस किया है, फ्रॉम कौन से चार्ज से, फ्रॉम प्लस फोर ही चार्ज से, ओके। नाउ अब वापस से जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ x निकालते वक्त ट्रिक्स बताई थी वही वापस से ट्रिक्स अब यूज होंगी यहाँ पे, सो सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे फोर्स का, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बेटर अप्रोच, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का आपको बताइए, F is equals to K mod of Q1 dot Q2 divided by R square, now x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस 4e को अट्रैक्ट करेगा, अब तो आपको पता चल ही होगा, तो अट्रैक्ट का मतलब F1 इस तरफ लगेगा और प्लस ही इसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इसका फोर्स इस पे और इसका फोर्स इस पे, जो मैंने अभी बताया था फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज के बीच में फोर्स एंड देन सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में फोर्स, नाउ F1 इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू k मल्टीप्लाई 4e डॉट q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मैंने फिर से चार्ज को साइड कंसीडर नहीं करा यहां पे, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है फॉर्मूला, F1 ये आ गया, F2 की बात करते तो e dot q divided by, अच्छा ये x है इतनी a है तो ये कितना बचेगा, वही a minus x, so this is a minus x का क्या यार whole square, अब फिर से वही लाइन, since middle charge किसमें दिया हुआ है आपको, as in इक्विलिब्रियम, फिर से बात किसकी है, इक्विलिब्रियम की जो मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम आएगा तो आप सीधा यूज कर लियो, तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर जीरो व्हिच मींस f1 किसके बराबर आ गया, f2 के, एंड दैट मींस k 4e q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k e q डिवाइडेड बाय a माइनस x का क्या भाई होल स्क्वायर, k से k कैंसिल आउट, e q से e q कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या बचा 4 is equals to x divided by a minus x का क्या होल स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना, नाउ इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा 2 is equals to x divided by a minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट 2a minus 2x is equals to x, तो 2a is equals to 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2a by 3 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये तो आपसे पूछेगी आप उसको कहां प्लेस करोगे, उसके बाद एक आप अगर लाइन देखें इसमें तो ये पूछे कि इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच केस अनस्टेबल, ये ऑलरेडी मैंने ट्रिक में बताया हुआ है कि भाई किस अगर आप चार्ज रखते हो नेगेटिव तो कौन से इक्विलिब्रियम आता है, पॉजिटिव रखते हो तो कौन से इक्विलिब्रियम आता है, ओके आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको आराम से,
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पे क्योंकि ये कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस थे नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे आपसे बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू स्मॉल आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स 50 सेंटीमीटर अपार्ट कि दो स्मॉल आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स हैं ए और बी उनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है कह रहा है इफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत इजी पार्ट है तो दो स्फीयर्स हैं ए और बी लेट्स सपोज इनके बीच जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और चार्ज हर एक स्फीयर पे आपको कितना दिया हुआ है 6.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम तो ये q और क्योंकि दोनों पे आपको सेम चार्ज दिया हुआ है और सेपरेशन आपको r दी हुई है यहां पे ठीक है तो उसके बाद कह रहा है फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दैट इज f इज इक्वल टू यू नो द फार्मूला 1 / 4 pi epsilon naught into q1 dot q2 तो यहां क्या आएगा q स्क्वायर क्योंकि q1 भी यही है और q2 भी यही है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अच्छा ये आपको पता है आप जब k यूज करो चाहे 1 / 4 pi epsilon naught एक ही बात होती है तो मैंने जस्ट थोड़ा दिखाने के लिए आपको वैरायटी ये यूज कर लिया आप k भी यूज कर सकते हैं यहां पे बस वैल्यूज पुट कीजिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9 multiply by 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by r. r is 50 into 10 to the power minus 2 का whole square और यहाँ पे भी आएगा square. ठीक है? तो जब आप इसको solve करेंगे यार, तो आपको answer मिलेगा यहाँ पे. Let me check. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे 1.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर ठीक है ये है इसका आंसर ना उसके बाद कह रहे हैं कि यार फर्स्ट पार्ट में देखिए जरा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल ये थोड़े सही पार्ट अब यहां से स्टार्ट हुए इसके तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ अगर आपने हर एक स्फीयर पे चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस उनके बीच में हाफ कर दी ठीक है सेकंड पार्ट कह रहा है इफ बोथ स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर k = 80 दिया हुआ है उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दिया हुआ है आपको फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इन बोथ केसेस मतलब आपको दोनों केसेस में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों केसेस में आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पे बताना है अगर आप दोनों स्फीयर्स के चार्ज को डबल करोगे तो मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि इसके ऊपर चार्ज हो गया 2q और इसके ऊपर भी चार्ज हो गया 2q बट आपने अब डिस्टेंस कितनी कर दी हाफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ तो मान लेते हैं फोर्स आया इस बार f बनाया कुछ तो फॉर्मूला वही k अब देखिए यहां पे क्या यूज होगा 2q dot 2q डिवाइडेड बाय r by 2 का whole square भाई वही तो फॉर्मूला है k q1 dot q2 divided by r square तो q1 ये रहा q2 ये रहा डिस्टेंस ये r by 2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा देखिए 2 into 2 4 और यहां वाला 4 भी बन जाएगा ऊपर तो 16 k q square divided by r square तो f1 is equals to now जरा ध्यान से देखिएगा 16 into यार ये जो वैल्यू है ये वाली ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कहां पे निकाल चुके हैं आप देखो तो सही ये वैल्यू यही तो है मतलब ये वैल्यू इसकी है f की आया k q square by r square k q square by r square तो ये वैल्यू किसकी है f की मतलब 16 into 1.5 into 10 to the power minus 2 तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे f1 की वैल्यू मिल जाएगी और वो आपको वैल्यू मिलेगी 0.24 न्यूटन नाउ सेकंड पार्ट क्या है कि आपने इन चार्जेस को किस में प्लेस कर दिया वाटर में ठीक है आपने इन चार्जेस को किस में प्लेस कर दिया यार वाटर में प्लेस कर दिया तो आपने एक फार्मूला बना हुआ है ये वाला FA by
FM is equals to K, और आपको K कितना दिया हुआ है? Already 80 दिया हुआ है water का. पढ़ा है ना यार आपने formula? Coulomb's law में आपको पढ़ाया हुआ है, if charges are placed in the medium, तो यही formula निकालना है आपको, ठीक है? तो FM की value क्या है? FM is equals to मतलब force निकालना है medium में, मतलब water में. तो हम इसको चलो FM ही रहने दो. तो FM is equals to FA by K. अब ध्यान से समझिएगा, FA था क्या? FA was force between charges when they were placed in air. तो यार ये जो charges रखे हुए थे, ये पहले किसमें रखे हुए थे? Air में तो रखे हुए थे. मतलब ये जो F है, ये F कौन सा force है? जब charges किसमें रखे हुए हैं? Air में रखे हुए. तो आप F A की जगह क्या use करेंगे? F. Clear हुआ? तो FM is equals to F by K, मतलब 1.5 into 10 to the minus 2 divided by एक बीस को आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे न्यूटन्स में. नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी इज टच विद ए, कि एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर सी है जिसको आपने पहले ए से टच कराया, देन बी से टच कराया, उसके बाद फाइनली रिमूव कर दिया. और तो बताओ यार नया फोर्स क्या होगा? ध्यान से समझिए, एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर सी है जिसको आपने टच कराया पहले ए से, फिर बी से, फिर फाइनली रिमूव कर दिया उसको आपने. तो ये कुछ इस तरीके से है, ए और बी, ये सेपरेशन आर, इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू, एक तीसरा स्फीयर है सी और ये स्फीयर है. अच्छा इसमें प्लीज एक करेक्शन कीजिएगा, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, कि एक जो स्फीयर है वो, जो स्फीयर सी है वो कैसा है फिलहाल? अनचार्ज्ड, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है अभी? जीरो. तो पहले आपने सी को किससे टच कराया? ए से, ठीक है? तो व्हेन सी इज टच विद ए, व्हेन सी इज टच विद ए, देन जब आपने सी को किससे टच कराया है यहाँ पे, जब आपने सी को टच कराया यहाँ पे किससे? ए से. तो आपको मैंने वही ट्रिक वाली वीडियो में ट्रिक पढ़ाई हुई ऑलरेडी, एंड दैट ट्रिक वाज रूल ऑफ शेयरिंग. तो उसमें रूल ऑफ शेयरिंग क्या कहता है भाई, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से की कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनके बीच में हमेशा किसकी शेयरिंग होती है? हमेशा आंसर इज चार्ज की शेयरिंग होती है. तो इन दोनों के बीच चार्ज शेयर होगा यहाँ पे, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? मैंने बताया हुआ है कि दोनों की चार्ज को ऐड करो और किससे डिवाइड करो? तो 2 से. तो व्हेन सी इज टच विद ए, देन चार्ज ऑन ए एंड सी इज इक्वल टू, तो ए पे चार्ज क्यू है, सी पे जीरो है, डिवाइडेड बाय 2. तो कितना चार्ज हो गया यहां पे आपके पास? क्यू बाई 2, ठीक है? देन उसके बाद इस सी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो सी को आपने ए से टच कराने के बाद दूसरे नंबर में किससे टच कराया भाई? दूसरे नंबर में किससे टच कराया आपने सी? इसको बी से टच कराया. तो व्हेन सी इज टच विद, व्हेन सी इज टच विद बी, देन चार्ज ऑन बी एंड सी. तो फिर से वही रूल ऑफ शेयरिंग चलेगा, बी पे चार्ज, तो बी और सी पे निकालना, तो बी का चार्ज प्लस सी का चार्ज डिवाइडेड बाई 2. तो बी का चार्ज कितना है आपका? क्यू. सी का चार्ज कितना है? क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. तो कितना हो गया ये? क्यू प्लस ये हुआ ऊपर 3Q बाई 2, और तो ये कितना बना आपके पास? टोटल 3Q बाई 4. अब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है ये कि आपने टच कराने के बाद C को फाइनली क्या कर दिया? रिमूव कर दिया यहाँ से, मतलब C को हटा दिया यहाँ से. जब C को आपने एक बार देखिए, इसको ये मैंने बताया Q plus Q by 2 is 2Q plus Q 3Q, हाँ 3Q by 4. तो जब आपने C को फाइनली रिमूव कर दिया यहाँ से, तो कुछ डायग्राम ये वाला बचा. तो A के ऊपर चार्ज कितना है? Q by 2. B के ऊपर चार्ज कितना है? 3Q by 4. और डिस्टेंस तो वही है. लेट्स सपोज F 2 फोर्स मान लेते हैं इसका. तो F 2 is equal to formula K Q1 dot Q2 divided by R square. हाँ यार, तो Q1 dot Q2, Q1 dot Q2 divided by R square है ना? Yeah, divided by R square. तो ये value क्या बनी यहाँ पे? आप बहुत आराम से देख सकते हो, 3 by 8 into K Q square divided by R square.
एंड व्हाट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर से वही बात आ गई, के क्यू स्क्वायर यहीं पे यूज की थी हमने, तो एफ टू इज इक्वल्स टू 3 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यहां पे एक वैल्यू मिल जाएगी एन न्यूटन, मतलब फोर्स की रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं आपने बहुत आराम से सिंपल सी चीज देखी है, वो चीज आपने ये देखी है कि यार अगर हमें ट्रिक्स पता है, हमें कॉन्सेप्ट्स पता है रोल ऑफ शेयरिंग के या कुछ भी हमें कॉन्सेप्ट्स पता है फोर्स वगैरह के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हमें पड़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद फोर्स एफ व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट, कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए और बी जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कब, जब रिपेल करते हैं फोर्स एफ से जब आपने उनको किसी डिस्टेंस आर पर रखा हुआ है। These spheres are touched by uncharged C and D respectively, which are then removed. उन spheres को आपने एक-एक करके देखिए respectively लिखा है, मतलब C को A से touch कराया और D को B से touch कराया। And the sphere B is now brought closer to A, और sphere B को आप एक-एक close लें कितनी distance पे, R by 2 distance पे। पूछ रहा भाई नया force क्या होगा repulsion का, तो पहले जरा देख लेते हैं situation क्या है। पहले situation क्या है कि दो spheres हैं A और B, सेपरेशन कितना है यहाँ पे आर। ठीक है, और देखिए अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपको पता चलेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान रखिएगा, जहां भी आपसे बोले आइडेंटिकल स्फीयर्स ध्यान रखिएगा दोनों पे चार्ज कैसे आएगा सेम। तो आइडेंटिकल स्फीयर है तो मान लिया इनके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, तो अभी इनके बीच फोर्स कितना लगेगा F is equals to K Q square by R square, और ये कब लग रहा है case first में, मतलब जब आपने इनको कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं जब कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं R डिस्टेंस पे। उसके बाद कह रहा है कि इन स्फीयर्स को आपने अनचार्ज्ड स्फीयर्स C और D से टच कराया, और टच कराने के बाद अच्छा सी और डी अनचार्ज है, उसके बाद सी और डी को रिमूव कर दो तुमने। ओके, तो अब जब आप इनको सी और डी से टच कराओगे तो कुछ सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी वाली, यहाँ पे दिस इज ए दिस इज बी, और लेट्स सपोज सी और डी ये अनचार्ज है, सी को ए से और डी को बी से, और ध्यान रखना ये दोनों अनचार्ज है, तो इन दोनों पे चार्ज क्यों है अभी सेपरेशन आ रहा है, तो व्हेन सी इज टच्ड विद ए देन चार्ज ऑन ए एंड सी। तो यार मैंने फिर से यार जब भी कांटेक्ट होता है किसकी शेयरिंग होती है रूल ऑफ शेयरिंग बताया ना आपको, रूल ऑफ शेयरिंग अप्लाई होता है, तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे रूल ऑफ शेयरिंग, तो दोनों पे चार्ज कितना आएगा ए पे कितना है क्यू सी पे 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज Q/2। क्लियर आउट हुआ, उसके बाद सिमिलरली बिल्कुल आप ऐसे लिखो सिमिलरली चार्ज ऑन बी एंड डी, तो बी और डी पे भी आप चार्ज निकाल सकते हो बिल्कुल ऐसे, तो भाई बी पे क्यू है डी पे 0 है तो तब भी कितना आएगा इन दोनों पे Q/2। ये क्लियर आउट हुआ ना, समझ आया कि भाई कॉन्टेक्ट करा है ना तो क्या अप्लाई करोगे, सीधा सीधा पता है एक्चुअली आपको बताई हुई ऑलरेडी रूल ऑफ शेयरिंग, प्लीज इसको जरूर देखना ये यूज होगी बहुत ज्यादा। तो ये क्लियर आउट हुआ आपको, तो पूछ रहा है कि भाई इनको फिर आपने रिमूव कर दिया, जब आपने रिमूव कर दिया और ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑलरेडी कि रिमूव करने के बाद आप स्फीयर बी को कितने डिस्टेंस पे ले आए आर बाय 2 डिस्टेंस पे, तो जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो ए के ऊपर चार्ज Q/2 बी के ऊपर भी चार्ज कितना Q/2 बट डिस्टेंस अब कितनी होगी आर बाय 2, तो नया फोर्स लेट्स सपोज नया फोर्स एफ डैश है तो के Q/2 डॉट Q/2 मल्टीप्लाई बाय आर बाय 2 का क्या होल स्क्वायर, भाई यही तो है ना के Q1 Q2 तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर,
तो ये 4 ऊपर बनेगा जाके f' equals to 4 k q square divided by 4 r square, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो f' और ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आप देखिए जरा ध्यान से, ये यही तो वैल्यू है केस फर्स्ट से, तो f' is equals to f, तो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या रहेगा जो पहले वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। सो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक और नई चीज पता चलेगी क्वेश्चन नंबर 8 में, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपको गिवन है फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 में, two metal spheres having unequal and opposite charges are placed at distance 0.90 meter apart. Question कह रहा है दो metallic spheres हैं उनके ऊपर जो charge है वो unequal है और opposite है, okay? और कितनी distance है उनके बीच? भाई 0.90 की distance है, तो 0.90 meter की separation है उनके बीच और वो air में रखे हैं। तो उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, भाई आप उनको जब कांटेक्ट में ले आए वापस, अच्छा ये दिल्ली 2002 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट जब आप उनको कांटेक्ट में लेके आए एक दूसरे के साथ, तो वापस आपने कांटेक्ट में लाने के बाद उनको वापस में आपने सेम डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 0.025 न्यूटन, और उसके बाद उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है 0.025 न्यूटन, तो पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द फाइनल चार्जेस ऑन द ऑन ईच ऑफ देम। अब मैं एक मैं लाइन यहां पे लिख रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना कैसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हेन टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर then they share equal charge, कि जब आप दो spheres को जिनका charge question के according अभी unequal दिया हुआ है और opposite दिया हुआ है उनको आप अगर contact में लेकर आते हो, ठीक है, तो यहाँ उनके ऊपर charge के वो charge कैसे share करेंगे, अरे ना कांटेक्ट में आएंगे तो किसकी शेयरिंग होगी चार्जेस की, तो मतलब कांटेक्ट में आने के बाद उनके ऊपर चार्ज कैसा बन जाएगा, इक्वल चार्ज बन जाएगा, बात समझ आई आपको, बस यही चीज मैं बाय द वे मैं समझा इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, लेट सपोज एक स्फीयर है ए, मान लेते हैं इस पे अच्छा हमें स्फीयर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इस पे चलो चार्ज दिया हुआ है आपको 4 कूलम और दूसरा स्फीयर है बी, इस पे आपको चार्ज दिया हुआ है, अच्छा आपको अनइक्वल और ऑपोजिट बोलना है, तो मान लेते हैं चलो इस पे -2 कूलम, तो देख लो अनइक्वल भी है और ऑपोजिट भी है, ठीक है, तो जब इन दोनों को कांटेक्ट में आप ले गए तो चार्ज क्या होगा, शेयर, और चार्ज शेयर किस फॉर्म में अकॉर्डिंग होता है 4 - -2 / 2, तो कितना बचा 2 / 2 दैट इज 1 कूलम, तो आपने क्या देखा कि दोनों पे चार्ज कैसे आएगा कांटेक्ट में आने के बाद, कितना कैसा चार्ज आएगा दोनों पे कांटेक्ट में आने के बाद, 1 कूलम, मतलब चार्ज कैसा आएगा दोनों पे, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ चार्ज कैसा आएगा दोनों पे, इक्वल चार्ज, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी दो स्फीयर्स अनइक्वल चार्ज है उन पे कांटेक्ट में लाते हो तो वो कैसे चार्ज शेयर करते, इक्वल चार्ज, मतलब लेट्स सपोज और वो इक्वल चार्ज हमने कितना मान लिया क्यों, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई जब आपने उनको वापस से सेम डिस्टेंस पे रखा, मतलब कुछ इस तरीके से ए और बी है अब सेम डिस्टेंस, ये वही सेम डिस्टेंस आर, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन तो बिल्कुल लगेगा क्योंकि चार्ज कैसा आ रहा है सेम, और जब सेम चार्ज आ रहा है सेम साइन आ रहा है चार्ज का, दैट इज क्यू, मतलब सेम साइन आ रहा है तो रिपेल ही करेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको दिया हुआ है कितना 0.025 मीटर, तो बस फॉर्म में अप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, और पूछ आपसे क्या है क्यू फाइनल चार्ज, तो एफ की वैल्यू क्या होगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.025, तो वैल्यूज पुट करोगे आप यहां पे तो देयर इज दिस, आप यहां से बस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू इज 0.025 इनटू व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 0.90 का क्या स्क्वायर,
ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है किसकी, के की। देखिए के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, या फिर 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो ये के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब 9 × 10⁻⁹। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा q² = 225 × 10⁻¹⁴। और जब क्यू पे स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1.5 × 10⁻⁶ कूलर। ओके, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग